हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। मैं हूँ आपकी शेफ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इमली की चटनी। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ इमली की चटनी में काम में आने वाली चीजें सामग्री कौन सी है। देखिए, पहले तो सबसे पहले है इमली, जो कि हमने ये देखिए, ये इमली है। एक कप इमली ली है, ये मैंने दिखाने के लिए रखी है। ये है गुड़, वो भी एक कप गुड़ लिया है। ये है पुदीना, देखिए जो सूखा पुदीना है ये, और जो गीला पुदीना आता है सीजन में जब गर्मियों में और ज्यादा मिलता है, तो अब हम इसको धो के और सुखा लेते हैं और इसको हमने पाउडर बना लिया छान के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किशमिश है और ये है हमारा जीरा, जो कि हमने भून लिया है तवे पे सेक के और इसको पीस लिया है बारीक। ये देखिए भुना हुआ जीरा पाउडर, और लाल मिर्च और नमक सॉल्ट। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इमली की चटनी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये देखिए इमली और गुड़ दोनों को साथ में भिगो के रखा है एक दो घंटे से। ये अच्छे से भीग गया, हमारी इमली भी फूल गई है। अब हम इसको अच्छे से मसल के, इसको एकदम से हाथ से ऐसे कर लेंगे, मसल लेंगे और फिर हम इसको छन्नी से छान लेंगे। उसके जो प्यूरी होती है, उसका रस होता है इमली का, और ऊपर जो इमली के ये छिलके वगैरह है, इमली के बीज भी नहीं है, सीडलेस इमली ली है मैंने, वो ऊपर पल्प रह जाएगा और कचरा है जो भी, और अंदर सारा जूस आ जाएगा। तो अब हम इसको छानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से इसको मसल लिया है हाथ से, ये गूदा सारा इमली का है जो हमने भिगोई थी गुड़ और इमली। अब इसको हम छानेंगे ऐसे। ये देखिए, ये छन्नी है, आप कोई सी भी बारीक छन्नी ले सकते हैं। इसको ऐसे लेके, इसको ऐसे करते हुए हाथ से हिलाते हुए, या चम्मच से भी कर सकते हैं, पर वो अच्छे से नहीं होता इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहेंगे उसको और मिलाते रहेंगे, और नीचे से देखिए आप, अच्छे से उसका जूस निकल गया है सारा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये सारा जूस निकाल लिया है इमली का, छान लिया है उसको, और ये देखिए ऐसा हो गया। अब हम इसको गैस पे रखेंगे, हम गैस ऑन करते हैं, अब इसको रख देंगे इस पे और इसको हिलाते रहेंगे चम्मच से, ऐसे हिलाएंगे इसको, इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए, एक उबाल आ जाएगा, तब हम अपने मसाले जो मैंने बताए थे आपको, नमक मिर्ची वगैरह इसमें डालेंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब ये देखिए उबल गया हमारा चटनी का जो हमने रस निकाला था इमली का। अब ये इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर, ज्यादा भी नहीं कि बहुत तेज हो जाए, लाल मिर्च पाउडर। ये हमारा पीसा हुआ जीरा है जो हमने सेक के पीसा हुआ है, जीरा पाउडर सिका हुआ, वो भी डाल देंगे इसके अंदर। गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे, दो छोटे चम्मच हम ये जीरा पाउडर डाल देंगे और दो ही छोटे चम्मच नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है। और ये किशमिश है, देखिए फ्रेंड्स, ये किशमिश, ये जो हम इसमें डाल देंगे किशमिश, इसके साथ ही ये पक जाएगी, फूल भी जाएगी, वो इसमें अच्छी लगती है। सूखा हुआ पुदीना, उसका हमने छान के ऐसे पाउडर बना लिया है, जो हम सब्जियों में भी डालते हैं जब पुदीना का मौसम नहीं हो, तो वो भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, दो चुटकी भर यानी दो चम्मच। अब हम इसको हिलाएंगे, ये देखिए अभी अच्छे से उबल रही है, अब इसको पकने देंगे थोड़ा। फ्रेंड्स, हमारी चटनी उबल गई है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा चखा तो ये थोड़ी खट्टी है, तो हम इसमें थोड़ा सा गुड़ और डाल देंगे, वो अपने टेस्ट के अनुसार आप चख के देख लें, यदि आपको खट्टी लगे थोड़ा गुड़ डाल दें, और यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैं दो तीन चम्मच शुगर भी डाल देती हूँ इसके अंदर। देखिए, अब इसको हिला लेंगे और इसको इतने पकाएंगे, इसको हम चखने से हमको पता चल जाएगा, ये थोड़ा सा मीठा होना चाहिए ज्यादा, ताकि हम जब दही बड़े में या किसी भी चीज में डालेंगे तो वो चीज है ना, हमको खट्टी नहीं लगेगी। चटनी तो हम एक या दो चम्मच ही मिलाते हैं, तो थोड़ी मीठी ज्यादा होगी तो ये सही रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारी चटनी तैयार ही हो गई, बस काफी देर हो गई इसको, 10 मिनट करीब उबल
आठ दस उबाल इसमें आ जाए। इसमें ऐसे देखो ये गाढ़ी भी हो गई थोड़ी, क्योंकि जो गुड़ और हमने शक्कर थोड़ी डाली थी उसकी चाशनी हो जाए जैसे एकदम से पानी सूख गया। अब ये गाढ़ी हो गई है, अब हम इसको पूरा तरीके से ठंडा करके और फिर किसी बॉटल में प्लास्टिक की या कांच की बॉटल में भरेंगे और फिर फ्रीज में रखने पे और गाढ़ी हो जाएगी। बस अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, हमारी चटनी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी इमली की चटनी तैयार है। कहने को तो ये सिर्फ एक चटनी है लेकिन इससे बहुत सारे उपयोग हैं। हम इसको टिकिया के साथ खा सकते हैं, इसको हम है ना दही बड़े में काम में ले सकते हैं, दही बड़े में डालने के लिए, और भी कोई बहुत सारी आप चाट बनाते हैं, उस पापड़ी चाट है, कोई सी भी चाट है उसके ऊपर इस चटनी को डाल के खा सकते हैं। कोई स्नैक्स हैं, समोसा है या कचौरी है, उसके साथ भी दही के साथ इसको आप डाल के खा सकते हैं। तो इसलिए इस चटनी के बहुत सारे उपयोग हैं। इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। और इस चटनी को हम थोड़ी देर बाद जब ये ठंडी हो जाएगी पूरी तरह से, तो हम इसको किसी प्लास्टिक के या कांच के जार में भर के फ्रिज में रख देंगे। फिर ये और गाढ़ी हो जाएगी और ये महीने भर तक भी अच्छे से खराब नहीं होगी, अच्छे से रहेगी, क्योंकि हमें अच्छे से पका के बनाई है। इसका सारा पानी खत्म हो गया है और इसके अंदर जो शुगर और गुड़ हमने डाला था उसकी चाशनी बन गई है, तो ये खराब भी नहीं होगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये चटनी तैयार है। अब आपको ये पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमाओ।